हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से उसने दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी प्राप्त की थी। अपने ससुर और चाचा यानी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करके, निर्मम हत्या करके उसने राजगद्दी हासिल की थी। और ये घटना है 1296 की। तो एक इतिहासकार जिसका नाम था जियाउद्दीन भरनी, वो लिखता है कि शहीद सुल्तान के कटे हुए सर से अभी रक्त टपक ही रहा था जब शाही ताज अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सर पर रखा और दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया। और इसके पश्चात उसने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी मलिका जहान और उसके जो पुत्र थे अरकली खान और कादिर खान, उनका भी वध करवा दिया। और सुल्तान बनने के पश्चात उसने अपनी सीमाओं का, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो है सिकंदर की तरह ही बनना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, और उसे सिकंदर आजम या सिकंदर सानी भी कहा जाता था। तो उसका जो सपना था वो विश्व विजेता बनने का था। लेकिन दिल्ली के एक कोतवाल जिसका नाम था अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को ये सलाह दी कि विश्व विजेता बनने की बजाय वो पहले भारतीय प्रदेशों पर उसे विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि अभी तक देखिए, आपने जितने भी सुल्तानों के बारे में पढ़ा, आपने किसी भी सुल्तान के बारे में उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में नहीं पढ़ा। अभी तक जो सुल्तानों ने किया वो या तो अपने आप को बचाया अपने शत्रुओं से, या फिर दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया जैसे कि बलबन ने किया। अभी दिल्ली सल्तनत का विस्तार ही कहाँ हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी को उस कोतवाल की सलाह पसंद आई और उसने संसार विजय का जो स्वप्न था वो त्याग दिया और उसने एक विशाल सेना का गठन किया ताकि वो भारतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर सके। तो उसके अभियानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो उत्तरी भारत की विजय और एक दक्षिणी भारत की विजय। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक सफलताओं का वर्णन कीजिए, या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का या दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादातर उसकी आर्थिक सुधारों पर क्वेश्चन आता है। लेकिन फिर भी हमें ये जान लेना चाहिए कि उसने किस प्रकार से विजय प्राप्त की। इनमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे पहले उसने उत्तरी भारत की विजय की योजना बनाई और एक विशाल सेना का संगठन किया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली किसी भी शासक की सेना नहीं रही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में। और उसके जो चार प्रमुख सेनापति थे, उलुग खान, नुसरत खान, अलब खान और जफर खान, जफर खान, नुसरत खान, उलुग खान और अलब खान, ये चार उसके बहुत ही विश्वासपात्र और बहुत ही योग्य सेनापति हुआ करते थे। तो सबसे पहले उसने योजना बनाई गुजरात पर विजय की। देखिए, 1296 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, 1297 ईस्वी में उसने गुजरात विजय की योजना बनाई और इसके लिए उसने अपने दो प्रमुख सेनापतियों यानी उलुग खान और नुसरत खान को काम पे लगाया। गुजरात पर विजय क्यों प्राप्त करना चाहता था? देखिए, गुजरात का जो रुतबा था, मतलब मध्यकालीन भारत में धनी प्रदेशों में इसकी गणना की जाती थी, गुजरात की, वेरी रिच प्रोविंस। क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जैसे भड़ौच, सोपारा, खंबात के प्रसिद्ध बंदरगाह थे जिनसे व्यापार हुआ करता था, धनाढ्य व्यापारी यहाँ पे कार्य करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इतनी विशाल सेना का उसने गठन किया था। और इसके लिए उसने, जैसे मैंने आपको बताया कि उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक सेना तैयार की, और उस समय गुजरात का जो शासक था कर्णदेव था और गुजरात की जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़ा। तो देखिए, कर्णदेव अपने शत्रुओं की शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था। वो जानता था कि अगर ये अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए वो रण क्षेत्र से चला गया, यानी वो पहले ही भाग गया। रण क्षेत्र में तो आने की नौबत ही नहीं आई। जैसे ही वो पहुंचने लगे, उलुग खान और नुसरत खान, वो पहले ही अपनी पुत्री देवल देवी के साथ गुजरात की राजधानी यानी अनिलवाड़ा को छोड़कर वो दक्षिण में देवगिरी में चला गया। और जब उलुग खान और नुसरत खान गुजरात पहुँचे, अनिलवाड़ा पहुँचे, तो वहाँ पे पहुँचकर उन्होंने भयंकर लूटमार की। सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा गया, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया और बहुत सी बंदरगाहों पर भी आक्रमण किया, उनको भी बुरी तरह से लूटा। और उलुग खान और नुसरत खान के इन कार्यों से गुजरात में अव्यवस्था फैल गई। शाही सेनाओं को एक शानदार विजय प्राप्त हुई और साथ ही साथ जो राणा जो गुजरात पर शासन कर रहा था कर्णदेव, उसकी पत्नी कमला देवी जो शत्रु के हाथ लग गई, उसको भी दिल्ली भेज दिया गया शाही खजाने के साथ में। और कमला देवी से फिर अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। इसके अलावा जो एक बहुत आप मान सकते हैं कि महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी उलुग खान और नुसरत खान के गुजरात में, मतलब लूट का जो सबसे बड़ा माल था, जो लूट का सबसे बड़ा माल था, वो वहाँ से प्राप्त एक दास था जिसका नाम था मलिक काफूर। मतलब जो धन संपदा प्राप्त हुई थी उससे भी ज़्यादा जो कीमत थी वो उस दास की थी, मलिक काफूर की। और कहते हैं कि उसे 1,000 दिनार में खरीदा गया था। मतलब नुसरत खान ने 1,000 दिनार देकर इस दास को खरीदा था, इसलिए इतिहास में उसका नाम 1,000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। मतलब मलिक काफूर जो है ना, वो 1,000 दिनारी कहलाता है, क्योंकि उसे 1,000 दिनार में खरीदा गया था। और इसने वो भूमिका निभाई जैसे कि मोहम्मद गौरी के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाई थी। बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ आगे आने वाले समय में। तो गुजरात पर विजय प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण प्रांत था। इसके बाद गुजरात विजय के पश्चात फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा अभियान रणथंभौर पर किया। रणथंभौर आप जानते हैं कि राजस्थान में है, वहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली दुर्ग था, उस पर आक्रमण करने के लिए फिर ये जो दोनों सेनापति थे 1300 ईस्वी में नुसरत खान और उलुग खान शाही नेतृत्व में फिर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे सेनाएं भेज दी। लेकिन यहाँ पे जो राणा था हमीर देव, ये बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत वीरता के साथ लड़ा और शाही सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना इसमें पराजित हो गई। अब जब ये पराजित हो गए और कहते हैं कि इसमें जो है नुसरत खान तो मारा गया था और उलुग खान अपनी जान बचा कर जैसे तैसे जो है वापस वो दिल्ली पहुंचा था, तो अलाउद्दीन खिलजी को ये बिल्कुल भी सहन नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अब सेनाओं का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया। और इस समय दिल्ली में हाजी मौला ने भी विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह को दबाने के पश्चात फिर उसने रणथंभौर की ओर रुख कर लिया। और इस बार भी जो राणा हमीर देव था, उसने कुछ नव मुसलमानों और मंगोलों के साथ मिलकर दुर्ग की रक्षा की और इस बार भी जो है सफल नहीं हो पाया अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, एक कारण ये भी था रणथंभौर पर आक्रमण करने का कि जो राणा था वहाँ पे हमीर देव, उसने मंगोलों को शरण दे रखी थी और अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। एक ये भी कारण था रणथंभौर पर आक्रमण करने का। अब देखिए, नहीं सफल हो पाए तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से कार्य लिया। राणा हमीर देव का एक सेनापति और उसका प्रधानमंत्री था जिसका नाम था रणमल। रणमल को रिश्वत देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साथ मिला लिया और उसकी मदद से वो रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा हमीर देव, उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया और कुछ समय के पश्चात रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि
कोई भी विश्वासघाती कभी भी विश्वास पात्र नहीं हो सकता। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुण था कि विश्वास पात्रों की पहले वो सेवाएं प्राप्त करता था और फिर उसके विश्वासघात के लिए उसे दंड देता था, जिसके कारण इसका उसने लाभ उठाया था। तो इस प्रकार से रणथंभौर पर भी उसने अधिकार कर लिया 1300 ईस्वी में। और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो था मेवाड़ का राज्य। आपने शायद ये फिल्म भी देखी हो, पद्मावत, पद्मावती या पद्मावत,